जय हिंद साथियों, वंशिका अल जाब्स हिंदी चैनल में आप लोग का स्वागत है। बता दें, आर्मी गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन उत्तराखंड में वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट के बारे में बता दें, पहले स्टोनोग्राफर में एक पोस्ट है, जनरल में, सिर्फ जनरल में स्टोनोग्राफ का एक पोस्ट है, 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। स्केल टेस्ट नर्स में डायरेक्शन 10 मिनट का, 80 VPM हिंदी और इंग्लिश टेस्ट रहना चाहिए। कंप्यूटर में 50 मिनट इन इंग्लिश, 65 मिनट इन हिंदी, यानी 50 मिनट इंग्लिश टाइपिंग रहना चाहिए, 65 मिनट में इन हिंदी टाइपिंग रहना चाहिए। दूसरा क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें एक पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं, उसमें 12वीं पास, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट जो होता है उसमें 35 इंग्लिश होना चाहिए, 30 हिंदी होना चाहिए। तीसरा पोस्ट जो है ब्लैक सीमत का एक पोस्ट है, वो भी एसी कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। ब्लैक सीमत में 10वीं पास होना अनिवार्य है। आईटीआई पास भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुक का भी पोस्ट निकला हुआ है, कुक में 3 पोस्ट है। पहला कैटेगरी में एक पोस्ट एसी का है, दूसरा ओबीसी का एक पोस्ट पीएचडी ओबीसी का है, इसमें भी 10वीं पास होना अनिवार्य है। कुक नॉलेज, इसमें खाना बनाने का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। बोट मेकर एक पोस्ट और है, उसमें बोट मेकर जिसमें एक पोस्ट है, वो भी एसटी कैंडिडेट के आवेदन कर सकते हैं। बोट मेकर में एक पोस्ट है, एसटी कैंडिडेट के आवेदन कर सकते हैं, इसमें भी 10वीं पास मांगा है। वाशरमैन में एक पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लोग कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, उसमें 10वीं पास ट्रेड नॉलेज होना चाहिए। वाशरमैन यानी कपड़ा साफ करने का नॉलेज होना चाहिए। बारबर में 2 पोस्ट है, बारबर नाई को बोलते हैं, उसमें 2 पोस्ट है, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी का है, दूसरा पोस्ट एसी का है। एक जनरल एक एसी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इसमें 10वीं पास मांगा गया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस यानी 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। स्वीपर में 2 जगह है, इसमें एक जनरल का, दूसरा एक एसी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, योग्यता मांगा गया है, 10वीं पास और ये 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। रैंक चौकीदार की भी पोस्ट निकला हुआ है, इसमें 1 जगह है, इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं, इसमें 10वीं पास मांगा गया है, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और साथियों, एज लिमिट का बात करें तो 18 से 25 ईयर्स के कैंडिडेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, 18 से 25 ईयर्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एसी एसटी के लिए 5 ईयर्स का छूट, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का छूट, पीएच कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स का छूट, ईएसएम कैटेगरी के लिए 3 वर्ष का छूट रखा गया है। इसमें मिलिट्री सर्विस के भी लोग आवेदन कर सकते हैं, मिलिट्री सर्विस के भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो मांगा गया है 50 वर्ष, यानी जो
जो मिलिट्री सर्विस के रिटायरमेंट हो गए हैं उनकी एज 50 ईयर्स है, वे भी इस फार्म को भर सकते हैं। इस फार्म को किस पते पर भेजना है ये भी बता दें। कमांडेट एपोर्टिंग अथॉरिटी द गढ़वाल राइफल रेगिमेंटल सेंटर लेंसडाउन डिस्ट्रिक्ट पूरी गढ़वाल उत्तराखंड, जो पिन कोड नंबर है 24615। फार्म कैसे भरना है ये भी बता दे रहे हैं। पहला कॉलम में नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। दूसरा में फादर नेम अपने पिताजी का नाम लिखना है। तीसरा में अप्लाइंग पोस्ट यानी जो पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो भी पोस्ट उसमें लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका जितना एज है वो भी उसमें चौथा कॉलम में भर देना है। एज ऐसे लिखना है जैसे ईयर्स आप कितने वर्ष का हो रहे हैं। मंथ लिखना है कितने मंथ का आप हो रहे हैं। डे लिखना है यानी कितने दिन का हो रहे हैं, यानी वर्ष मंथ डे ये तीनों होना जरूरी है। जेंडर मतलब होता है मेल फीमेल, यानी पुरुष भी आवेदन कर सकता है और स्त्री भी आवेदन कर सकती है। सातवां कॉलम में नेशनलिटी इंडियन लिख देना। कास्ट कैटेगरी जनरल एसी एसटी ओबीसी ईएसडब्ल्यू। आठवां कॉलम में आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में अपना लिखना है। या जनरल में आते हैं तो जनरल लिखेंगे, एसी आते हैं तो एसी लिखेंगे, एसटी आते हैं तो एसटी लिखेंगे, ओबीसी आते हैं तो ओबीसी लिखेंगे, या तो ईएसडब्ल्यू आते हैं तो ईएसडब्ल्यू लिखेंगे। नौवां कॉलम में परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड ध्यान दो। नवा काल में आप जहाँ भी रहते हैं परमानेंट एड्रेस वहाँ का डालना है और साथ में पिन कोड भी वहाँ का डालना है। दसवा में प्रेजेंट एड्रेस आपका जहाँ प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ आपका लेटर मंगवाना चाहते हैं वहाँ अपना वहाँ का एड्रेस डाल देना विथ साथ में अपना पिन कोड भी डाल देना। ग्यारहवा फिजिकली हैंड कैप यानी फिजिकली जो भी आपका चेस्ट हाइट जो भी होगा 11वां कॉलम में लिख देना। 12वां कॉलम में मोबाइल नंबर लिखना है। 13वां कॉलम में एडुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आप कितने क्लास पास हैं यानी योग्यता 10वीं 12वीं आईटीआई जो भी है 13वें कॉलम में लिखना है। 14वें कॉलम में एक्सपीरियंस जो भी आपका एक्सपीरियंस है चाहे कुक में चाहे गोट मेकर में जो भी पोस्ट में एक्सपीरियंस है 14वें कॉलम में लिखना है। और साथियों एक बात और बताना चाहता हूँ, एक फ़ोटो प्रमाणित अटेस्टेड यानी एक फ़ोटो प्रमाणित होना आवश्यक है, उस पर चिपका दें और जिस पते पर बताया हूँ उस पते पर भेज दें। जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए ताकि आगे का वीडियो भी आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।